यो व्हाट्सअप गाइस, कॉम्बोट इज हियर एंड आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक गेम के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर कार फॉर सेल। अब देखो यहाँ पर एक कार फॉर सेल गेम है जो एक पीसी गेम है। इसको लाइक यहाँ पर टेक्रो गेमर्स, टोटल गेमिंग जैसे बड़े क्रिएटर खेलते हैं, बट आपके मन में ये होता है कि भाई मैं गेम कैसे खेलूं बिकॉज मेरे पास पीसी नहीं है। तो गाइस आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज ये वाला गेम अभी एंड्रॉइड के अंदर भी आ चुका है। तो आपको इसको कैसे खेलना है, एंड्रॉइड के अंदर से डाउनलोड करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं। अब देखो ये वाला कार फॉर सेल यहां पर पीसी के अंदर होता है, बट पीसी वाला गेम आप एंड्रॉइड के अंदर कैसे खेल सकते हो वो बात अलग है। ये वाला गेम थोड़ा अलग होने वाला है, बट लगने वाला यही कार फॉर सेल लगने वाला पूरा। तो इस वाले गेम को डाउनलोड कैसे करना वो सब कुछ बताऊंगा। एंड गाइस अगर आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना बिकॉज आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शुरू करते हैं ये वाला गेम प्ले वीडियो। वैसे गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला है, मैं रिव्यू कर रहा हूँ कि आपको इस गेम को कैसे खेलना है। बहुत सारे बंदे इस गेम को खेलना नहीं जानते ऑलरेडी, तो उसको मैं खेलना सिखाने वाला हूँ, साथ साथ इसको डाउनलोड कैसे करना है एंड इसकी साइज कितनी होने वाली है वो सब कुछ बता दूंगा गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, देखो इस प्रकार से गेम का इंटरफेस आने वाला है डाउनलोड करने के बाद, ओपन करने के बाद। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार फॉर सेल एंड ये सामने आपको दिख रहा है, ये ऑफिस है हमारा। अगर यहाँ पर आप टेक्नो गेमर्स की वीडियो देख रहे हो, अभी टोटल गेमिंग की वीडियोस देख रहे हो, तो पीसी गेम के अंदर इस प्रकार से एक ऑफिस होता है जो कि काफी कूल लग रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं अपना नाम भी लिखने वाला हूँ, यहाँ पर कार फॉर सेल है बट यहाँ पर अपना नाम लिखने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप अंदर चल के देख सकते हो हमारे ऑफिस को। देखो यहाँ पर हमारा कुछ पीसी पड़ा हुआ है जहाँ पर हम अपने कार्स के प्राइस को सेल कर सकते हैं, यानी कि कार के प्राइस को हम रख सकते हैं। यहाँ पर एक चेयर पड़ी है एंड यहाँ पर हम सो सकते हैं, जैसे यहाँ पर नाइट होगी तो यहाँ पर हम सो सकते हैं ताकि जैसे डे हो तो अपने कार को सेल कर सके। ओके, देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड फिलहाल देखो यहाँ पर मैं अपने पीसी के अंदर देखता हूँ कि मेरे पास कितने कार्स हैं। तो मैं अपने कार लिस्ट में जाता हूँ, मेरे पास एक भी यहाँ पर कार नहीं है, बट मेरे पास यहाँ पर $9,000 पड़े हैं। ओके, $9,000 मेरे पास पड़े हैं बट मेरे पास कोई भी कार नहीं है। तो मुझे ना आप अपना अपनी कार को खरीदना पड़ेगा। अगर आप ये गेम फर्स्ट बार खेलती हो तो आपको अपनी कार को खरीदना पड़ेगा। अब गाइस देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। देखो यहाँ पर सामने आपको एक मतलब बड़ा सा गैराज दिख रहा है जहाँ पर अपनी कार को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, यानी कि कार को वॉश करा सकते हैं, फिर कार को पेंट करा सकते हैं। एंड देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अपनी कार को खड़ा कर सकते हैं एंड साथ देखो यहाँ पर ये भाई साहब हमारे कार को वॉश करने वाले या फिर पेंट करने वाले जो भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर आकर आप अपनी कार को वॉश एंड पेंट करा सकते हो। सामने देखो यहाँ पर हमारा ऑफिस है, वो देखो सामने आपको हमारा ऑफिस दिख रहा है, यानी कि हमारे ऑफिस के सामने जस्ट सामने यहाँ पर ये कार शोरूम है। ओके, कार शोरूम नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कार वॉश करने का है। एंड देखो यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है एंड इस ट्रक का काम यह है कि जैसे हम किसी कार को सेल करते हैं, सेल नहीं करते, खरीदते हैं ना, तो उस कार को है ना यहाँ पर इसके अंदर हम रख के ला सकते हैं जिससे कि हमारी कार हमारी डैमेज ना हो। अगर हम खुद कार को लेकर आएंगे तो हमारी कार डैमेज हो सकती है, बट इसके अंदर हमारी कार बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाली है। तो इससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा पर्सनल ट्रक है, इससे है ना यहाँ पर हम अपनी कार्स को लेकर आ सकते हैं गाइस। तो इतना आप इस गेम के अंदर समझ गए होंगे। तो देखो फिलहाल यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने ऑफिस के अंदर एंड है ना यहाँ पर मैं इसका कार फॉर सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको नाम में चेंज करने वाला, अपना नाम देने वाला। आपको करना क्या है, देखो आपको है ना यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। देखो यहाँ पर डेकोर के ऊपर आपको क्लिक करना है, देखो यहाँ पर आप पर कार फॉर सेल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपका अपना नाम आपको दे देना है, जो भी नाम है मेरा विक्की सिंह, नाम मेरा विक्की सिंह यहाँ पर लिख दिया है एंड देख सकते हो यहाँ पर विक्की सिंह कितना अच्छा लग रहा है। और इस प्रकार से देखो इस वाले गेम के वेदर्स आते हैं। सिंपली आपको ना क्या करना है, इसको नाम देने के बाद यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर सामने देखो आपको एक बस स्टॉप दिखेगा जिसके ऊपर आपको आ जाना है सिंपली एंड सिंपली बस स्टॉप पे आने के बाद आपको यहाँ पर पास में आना है एंड यहाँ पर आप क्लिक करके ना यहाँ पर आप विलेज के अंदर जाना है, कार मार्केट, मतलब आपको जाना है यहाँ पर विलेज के अंदर जहाँ पर आपको सस्ते में गाड़ियाँ मिलेगी एंड सस्ती में आप गाड़ियाँ वहाँ पर मतलब खरीद सकते हो गाइस, ठीक है। तो वहाँ पर विलेज के ऊपर क्लिक, तो आपको सिंपली यहाँ पर विलेज के ऊपर क्लिक करना है एंड जैसे आप विलेज के ऊपर क्लिक करोगे आप आ जाओगे विलेज के अंदर एंड देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती है, यहाँ से आप गाड़ियाँ मतलब खरीद सकते हो सस्ते के अंदर। तो देखो मेरे पास है ना भैया $9,000 पड़े हैं, बट मैंने भाई $9,000 खर्च कर दिया अपने नाम को चेंज करने के लिए। तो जैसे अपना नाम चेंज करोगे ना तो आपका नाम के अंदर भी आपका पैसा लग जाएगा। तो भाई ये $15,000 के अंदर मुझे अपनी कार दे रहा है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो गाइस यार इसको मैं नहीं खरीद सकता हूँ मैं भाई, $15,000 मेरे पास तो नहीं है। तो इसको भाई इग्नोर करते हैं यहाँ से एंड देखते हैं आगे कौन सी गाड़ी मिलने वाली है। तो इसको देखते हैं कि ये कितने में गाड़ी सेल कर रही है। ओके, ये $48,000 भाई पागल है क्या, मेरे पास तो यहाँ पर अभी $9,000 भी पूरे नहीं है। तो अभी ना मुझे यहाँ पर इस वाले भाई ये जीटी फोर्ड मस्टैंग आई थिंक सो वाइस जीटी लग रही है मेरे को। तो देखते हैं कि ये वाली जीटी कितने में मिलती है। तो सामने बंदा खड़ा हुआ है, इसको पूछते हैं कि कितने में मिल रही है। तो इस पर क्लिक करना है सिंपली आपको एंड इस प्रकार से आप भाई यार $53,000 भाई
फक भाई है कि मैं इतना नहीं लूंगा भाई मैं तो गाइस देखो यार आपको ना सिंपली है ना यहाँ पर विलेज के अंदर आकर ना इन सभी बंदों से यहाँ पर आपको कार सेल ले सकते हो आप एंड आप ना इसकी कार के प्राइस को लो भी करा सकते हो ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड इस लड़की से पूछता हूँ कि कितने में। ओके $11,000 में सेल कर रही है बट नहीं है भाई $11,000। देखो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं विलेज को छोड़कर यहाँ पर आ चुका हूँ कार शोरूम के अंदर। बेसिकली सामने आपको ये जो मतलब एरिया दिख रही है कार शोरूम के अंदर है एंड इसके अंदर बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां मिलती है बट मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपना मुंह उठाकर। देखो मेरे पास यार पैसे तो है नहीं बट फिर भी देखते हैं कि हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देख लेते हैं ये कितने में सेल कर रही है। ओ भाई ये बहुत सस्ती में दे रही है 5,000 में दे रही है बट मेरे पास इतने भी नहीं है भाई। मैंने ना मेरे पास यहाँ पर $2,000 ही है तो पता नहीं मेरे को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी भाई। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो सिंपली है ना मैं यहाँ पर आकर इस वाले बंदे से पूछता हूँ कि कितने में भाई दे रहा है। ओ भाई 8,000 नहीं यार। अब गाइस देखो यहाँ पर देखो ये वाला बंदा पता नहीं क्या लेने आ गया यहाँ पर भाई। मतलब पूरा शकल से भिखारी लग रहा है। इसके पास पैसे नहीं, कच्चा पहन रखा है, इसके पास कुछ भी नहीं है लिटरली। एंड ये इस लड़की से बहस कर रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है ये मेरे को, आई डोंट नो, सुनने नहीं दे रहा है। बट ये क्या लेने आया भाई, मैं सोच रहा हूँ कि क्या लेने आए हैं यहाँ पर। दरअसल इसके पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं है, बिल्कुल ब्लैक सा भाई काला सा मैन है मतलब। एंड इसके अंदर कच्चा पहन रखा है भाई, ये क्या लेने आया यहाँ पर। तो आई थिंक सो ये पता नहीं भिखारी विखारी हो गया आगे हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर वापस से आ चुका हूँ मैं विलेज के अंदर एंड मुझे यहाँ पर किसी न किसी कार को भाई मतलब खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं सिंपली एंड देखते कितने में मिल रही है। तो मेरे पास अभी कुछ पैसे पड़े हैं तो भाई ये वाली कार में बाय कर लेता हूँ। तो भाई देखो ये वाली कार मैंने बाय कर ली है। तो ये वाली कार है ना मतलब कार सॉरी ये मेरी हो चुकी है। तो ये वाली कार मैंने परचेस कर ली है, अभी इसको लेके चलते हैं यहाँ से। तो जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं एंड इसको अपने ऑफिस के अंदर लेके। ऑलराइट मैंने इसको परचेस तो कर लिया, बस लेके चलते हैं। एंड भाई इसको नाम वॉश कराने वाले हैं एंड इसके ऊपर पेंट कराने वाला ताकि अच्छी काफी बेच सको एंड इसके मुनाफा हो सके मुझे। तो गाइस लेके चलते हैं इसको। एंड गाइस आपको इसी प्रकार से ये वाला गेम प्ले करना है ठीक है, यानी कि इस वाले गेम का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि आपको गेम को कैसे प्ले करना है। बिकॉज बहुत सारे बंदों को ये वाला गेम खेलना नहीं आता है, उनको प्ले करना नहीं आता है। तो सिंपली अपने कार को लेके चलते हैं एंड इस वाली कार को हमें सिंपली लेके जाना अपने गैराज के अंदर ठीक है। देखो आपको ऑफिस के अंदर नहीं लेके जाना, आपको मैं गैराज को लेके जाना जहाँ पर अपने वॉश कराना है एंड वॉश करा के इसको पेंट भी कराना था कि ये अच्छी खासी बेच सकूं मैं। तो उसको मैंने 8,000 में खरीदा है, तो देखते हैं कि मैं इसको कितने हजार में सेल कर सकता हूँ। चलो गाइस लेट्स गो, चलते जल्दी से। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं अपनी कार को लेके आ चुका हूँ एंड अगर बात करें इस गेम के साइज की, गेम के साइज क्या होने वाला, तो गेम की साइज है यहाँ पर 300 MB। तो कुल मिलाकर ये आपको 400 MB के अंदर पड़ जाएगा ये वाला गेम। अगर इसको डाउनलोड करना तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सिंपली एंड देखो यहाँ पर हमारा ये कार शोरूम है बट कार शोरूम के अंदर कोई भी हमें काम नहीं है। फिलहाल चलते हैं हम कार गैराज के अंदर जहाँ पर अपनी गाड़ी को हम वॉश कराने वाले हैं एंड वॉश करा के इसको पेंट कराने वाले हैं फिर इसको सेल करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के अपनी गाड़ी को सेल करना है एंड आपको मतलब पैसे बनाने हैं ठीक है। पैसे बनाकर अपना मतलब आपका काम क्या है इस गेम के अंदर, अपना खुद का काम कार शोरूम खोलना, यानी कि खुद का कार शोरूम खोलना। यहाँ पर आ चुका हूँ मैं गैराज के अंदर एंड देखो यहाँ पर इस वाले भाई साहब से हमें कार को पेंट एंड कार को वॉश कराना है। तो देखो यहाँ पर आ चुका हूँ सिंपली मैं एंड देखो अगर आप कार को वॉश एंड कार को मतलब पेंट कराओगे ना तो उसके पैसे लगने वाले हैं। तो जल्दी से इसको कार को वॉश एंड करा लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर ना मैं अपनी कार को कलर कराने वाला हूँ यानी कि पेंट कराने वाला हूँ। तो कितना इसमें लगने वाला है, ओके $429 लगने वाला है। तो गाइस देखो $429 तो आई थिंक सो मेरे पास है ही नहीं। तो ओके मैंने इसको वॉश तो करा दिया है। तो ऑलराइट मैंने इसको वॉश करा दिया एंड सिंपली अभी क्या करने वाले, अभी है ना इसको हम कार को सेल करने वाले, देखते हैं कि ये कार कितने में बिकने वाली है। मैंने 8,000 इसको खरीदा था तो आई थिंक सो 10,000 के अंदर तो सेल हो गई ठीक है। तो ओके मैंने इसको सेल करा लिया मतलब वॉश करा लिया, सेल क्या करा लिया, अभी बाहर निकलते जल्दी से। तो गाइस देखो अभी मेरे पास इतने मनी नहीं है कि इसको मैं पेंट करा सकूं, मैंने उसको ओनली सेल भाई क्या बोल रहा हूँ वॉश कराया हूँ। मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो कोई नहीं अभी साहब बस चलते हैं अभी। तो मैंने देखो यहाँ पर इस वाली कार को अभी यहाँ से बाहर निकाल लिया है। तो भाई मैंने $8,000 में इसको खरीदा, तो देखते हैं कि कितने में सेल हो सकती है। तो इसी प्रकार से है ना आपको पैसे बनाने हैं एंड भाई अपने मतलब कार को सेल करना है। तो फिलहाल लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर मैं अपनी कार को एंड मैं अपने ऑफिस के यहाँ पर खड़ा करने वाला हूँ। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे अगर कोई कस्टमर आए खरीदने के लिए तो भाई है ना आपको मतलब अच्छे से बेचना है, बिकॉज कुछ ना कुछ गलती नहीं करनी है। मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पर, बिकॉज मैंने ना एक कार $8,000 में खरीदी $8 में एंड मैंने उसको $20 के अंदर ही बेच दी, मतलब गलती से सेल पे क्लिक हो गया एंड भाई वो मतलब बहुत सस्ते के अंदर बिक गई। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल ध्यान से सेल करना है। तो यहाँ पर आ चुका हूँ देखो मैं एंड मैं ना इसको मतलब इसकी प्राइस रखता हूँ 10,000 एंड इसको सेल कर देता हूँ गाइस ठीक है। तो देखो अभी बाहर चलते हैं एंड मुझे लगता है कि आई थिंक सो कोई ना कोई बंदा हमारी कार को खरीदने आएंगे ही। तो देखते हैं कि कितने, इसको बंद करो पहले, इसको मैंने बंद कर दिया है। ऑलराइट अभी देखते हैं कौन आने वाला है अपनी कार को खरीदने के लिए।
तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा, जैसे कोई बंदा आएगा तो उसको सेल करेंगे ही। और राइट, तो भाई यहाँ पर एक लड़की आई, देखते हैं कितने में मिले ये भाई। भाई जल्दी बताए भाई यार, एक मिनट को। तो गाइस यार ये 8,000 में ले रही है भाई, 8,000 मैंने इसको खरीदा है, तो मैं 8,000 में क्यों दूँ। तो गाइस यार 8,000 में तो मैं नहीं देने वाला हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ कि 9,000 हो सकते हैं, तो 9,000 में बेच देता हूँ इसको मैं। और राइट, तो 9,000 के अंदर मेरी कार बिक चुकी है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मुझे ना कम से कम $1,500 का यहाँ पर मुनाफा हो गया, तो ये अच्छी बात है। तो गाइस इस प्रकार से ना आप कार फॉर सेल एंड्रॉयड वर्जन को खेल सकते हो। तो होप करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कार फॉर सेल में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर मैं इसका गेम प्ले डालूँ तो उसके लिए कमेंट कर देना। यही था वीडियो में, चलो फिर बाय बाय।